नर्न्स्ट इक्वेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है नर्न्स्ट के। इसके फॉर्मूले से लगभग कॉम्पिटेटिव हो या बोर्ड लेवल हो, इसका बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन का देखो, इसको ब्रॉडली हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चार पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर वन इलेक्ट्रोड, अगर एक ही इलेक्ट्रोड दिया होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। और दूसरा फॉर सेल, सेल का मतलब जब दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल का मतलब जब दोनों इलेक्ट्रोड दिए होंगे, कैथोड भी एनोड भी, तो उसके लिए हम सेल वर्ड यूज करते हैं। तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी नर्न्स्ट इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होगा। और चौथा गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी होती है कि जो एनर्जी अवेलेबल होती है टू डू यूजफुल वर्क के लिए, जैसे आपके पास जो एनर्जी अभी आप बचा के रखोगे जिससे कोई भी इमरजेंसी काम कर सकते हैं, तो गिब्स उसे कहता है फ्री एनर्जी, यानी अपने बचा के रखिए कोई भी यूजफुल काम करने के लिए, उसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो चार स्टेप में हम इसको पढ़ेंगे। वन इलेक्ट्रोड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सेल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इक्विलिब्रियम के लिए क्या फॉर्मूला होगा, और गिब्स फ्री एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो चार स्टेप में इसकी रिएक्शन है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इस पूरे चैप्टर का। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। पहला फॉर वन इलेक्ट्रोड, फॉर वन इलेक्ट्रोड, अगर एक इलेक्ट्रोड दिया, एक इलेक्ट्रोड आप कैसे पहचानोगे, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया होगा, कई बार हाइड्रोजन देता है, कई बार जिंक दे देगा, कुछ भी दे देगा। अभी हमने कहा था आपको कि जो रिडक्शन है इसी को हम मेन मानते हैं, ये रिडक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई रिडक्शन, ई का मतलब हो गया जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट का मतलब जब वो रिडक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, माइनस ये हो जाएगा आपका आर टी अपॉन एन एफ एल एन, फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या होगा, देखो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है यहाँ पे जिंक और रिएक्टेंट है यहाँ पे जेड एन टू प्लस, तो जिंक अपॉन जेड एन टू प्लस। लेकिन मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जिसमें कोई चार्ज नहीं होता उसकी वैल्यू को वन कंसंट्रेशन माना जाता है, इसकी कुछ भी मान लेंगे, तो जेड एन की जगह पे हम वन लिख सकते हैं। और आर की वैल्यू हमें पता है 8.314 होती है, टी हमें यहाँ पे पता है 298 होता है, फेराडे की वैल्यू फिक्स होती है 96500 कूलम। ठीक है, एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं, कई बार वन होगा, कई बार टू होगा, थ्री होगा, तो जो वेरिएबल होगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई जेड एन टू प्लस स्लैश जेड एन इज इक्वल टू ई नॉट, स्टैंडर्ड की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, माइनस इन सबको सॉल्व करके आंसर आता है 0.0591 अपॉन एन, एन क्योंकि चेंज होता जाएगा, एल एन को हम लॉग में चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू जेड एन में वन है और जेड एन टू प्लस का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, अगर इसके आगे से टू थ्री कुछ भी लिख दिया तो ये इसके पावर में चले जाएगी, इसलिए ध्यान रखना कभी भी कि जो भी इसके आगे लिखा होगा इनके किसी के भी आगे वो उसके पावर में चली जाती है बस। तो ये आपका हो गया फॉर वन इलेक्ट्रोड के लिए फॉर्मूला, ई जेड एन टू प्लस स्लैश जेड एन, यहाँ पे कोई भी मेटल दिया जा सकता है आपको, इज इक्वल टू ई नॉट जेड एन टू प्लस स्लैश जेड एन माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉग वन अपॉन जेड एन टू प्लस, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है, ये कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन कितना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये है फॉर वन इलेक्ट्रॉन, तो समझ में आइए वन इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. अब इसके बाद देखो, अब है फोर्थ सेल, अगर सेल होगा, सेल का मतलब जब दोनों चीज गिवन है, जैसे डेनियल सेल ले लेते हैं हम लोग, डेनियल सेल में क्या होता है, जेड एन होता है और यहाँ पे कॉपर होता है, गिब्स कॉपर और जेड एन टू प्लस। अब आपको पता है कि जो ई नॉट जेड एन की वैल्यू होती है जनरल वो होती है 0.-0.76 वोल्ट, और कॉपर की वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। आप इन दोनों को माइनस करके ई नॉट सेल निकाल सकते हो, जो ई नॉट सेल इसका निकलता है वो आता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन कौन है, यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का 0.34,
रिडक्शन ऑक्सीडेशन कौन है यहाँ पे, जिंक है। अब माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी दोनों ऐड हो जाते हैं, इसीलिए आपको डेनियल सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट आपको बुक में लिखी होती है। 1.1 वोल्ट क्यों आया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू फिक्स होती है। अब इसके लिए सेल का क्या फॉर्मूला होगा, ई सेल। ई सेल मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है, जहाँ पे नॉट लग जाएगा वो स्टैंडर्ड है, तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड है। माइनस फिर वही फॉर्मूला आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में यहाँ पे कौन आएगा, देखो प्रोडक्ट में कॉपर आ गया मल्टीप्लाई बाय जिंक आ गया, और रिएक्टेंट में कौन आएगा, रिएक्टेंट में आ जाएगा जेड एन और सी यू टू प्लस। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है उसकी वैल्यू को हम वन मानते हैं, यानी कॉपर जिंक को वैल्यू को हम वन मान लेंगे, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ये दोनों को हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपको पता है कि सेल आर की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम क्यों करें, हम उसे आसान बनाने के लिए 0.0591 अपॉन एन करेंगे, लॉग में चेंज कर देंगे। प्रोडक्ट आपका आ गया जेड एन टू प्लस और रिएक्टेंट आ गया आपका सी यू टू प्लस, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सेल के लिए। तो चेंज क्या हुआ, यहाँ पे सेल आ जाएगा बस, और ये क्वांटिटी दोनों आ जाएगी बस, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सेल का फॉर्मूला आपका मिल गया। सेल में क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन क्या है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे बैलेंस करके देखेंगे, जैसे जेड एन से जेड एन टू प्लस कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सी यू टू प्लस से सी यू टू इलेक्ट्रॉन, दोनों में सेम होंगे तो यहाँ पे एन हो जाएगा टू। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे दोनों केस में सेम होंगे, उसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ये पहले से बैलेंस है इसलिए हम इसको चेंज नहीं करते। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट आता है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या होती है, देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि ई सेल यहाँ पे जीरो हो जाता है। अब इसको आप फॉर्मूले में पुट कर दो, और दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के होता है आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। और जनरली हम क्यू वर्ड यूज कर सकते हैं, क्यू भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में फॉलो नहीं होता। ये जब इक्विलिब्रियम नहीं है तब हम क्यू वर्ड यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम में होगा तो हम के वर्ड यूज करते हैं। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को इन जनरल क्यू लिख सकते हैं पहले, तो ये होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। लेकिन अगर मैंने कहा इक्विलिब्रियम मैंने अप्लाई कर दिया, एट इक्विलिब्रियम बताओ, इक्विलिब्रियम में Q इज इक्वल टू के हो जाएगा और E नॉट E सेल जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू E नॉट सेल, E नॉट सेल तो स्टैंडर्ड है वो तो चेंज होगा नहीं, 0.0591 अपॉन N log K। अब आप यहां से log K की वैल्यू को निकाल सकते हो या इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हो, इसको इधर ले जाओ। तो इसका फॉर्मूला जो मेन आपको याद रखना वो है E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log K है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा या पूछा होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है आपका, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। और ये वैल्यू किस रिस्पेक्ट में आई है, ये वैल्यू आई है आपकी किसके रिस्पेक्ट में, आर टी अपॉन एन एफ एल एन की, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो अगर आपको 0.0591 की जगह पे ये भी लिख सकते हो और वो भी लिख सकते हो, दोनों इसमें चल जाएंगे। लेकिन हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें, क्योंकि हमें सब कुछ पता है, तो इसलिए कैलकुलेशन के बेस पे हम इसे करते हैं। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला आ गया इक्विलिब्रियम का, तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। अब इसका फोर्थ और लास्ट फॉर्मूला आता है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी होता है आपका डेल जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी होता है डेल जी, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, पहला फॉर्मूला अगर आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है। तो ई नॉट सेल नॉट नहीं दिया, आपको केसी में चेंज करना है तो आप इसे केसी में चेंज कर सकते हो, कैसे, माइनस एन एफ इंटू
अभी बताया था आपको ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। अब क्या होगा, एन एफ से एन एफ कट जाएगा, हम तो सहूलियत करेंगे तो हम चाहते हैं कि आसानी से हो जाए। अब एल एन को लॉग में चेंज करेंगे, ये होता है 2.303 लॉग। एल एन का मतलब लॉग की बेस ई, और लॉग का मतलब केमिस्ट्री में लॉग का बेस 10। तो इसको चेंज करने के लिए इतने से मल्टीप्लाई करना है, तो हम जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो लॉग के ही फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 2.303 आर टी लॉग के सी इज इक्वल टू डेल जी नॉट। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपका बन के आ गया, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। तीसरा, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मत लिखो, दोनों में से कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, ये इसका तीसरा फॉर्मूला होगा। चौथा, अगर आपको वर्क मैक्सिमम पूछ लिया, तो वर्क मैक्सिमम क्या होता है, जितना डेल जी नॉट होगा यानी जितने आपके पास फ्री एनर्जी होगी उतना आप वर्क ज्यादा कर सकते हो, लेकिन इसकी नेगेटिव वैल्यू को काउंट करते, इसीलिए यहाँ पे माइनस वर्ड आ जाएगा, क्योंकि तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी डेल जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, डेल जी नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी यानी आपके पास उतनी ज्यादा एनर्जी, आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी को उतना आप वर्क ज्यादा कर सकते हो। तो माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लिखते हैं, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस वर्क मैक्सिमम। तो ये चार फॉर्मूले जो आपको यूज करने हैं इसके लिए गिव फ्री एनर्जी के, इससे आप सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? यस सर। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और आता है आपका घुमा के, स्पॉन्टेनिटी के बेस पे, वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं देगा, बोलेगा स्पॉन्टेनियस कौन है कौन स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे? स्पॉन्टेनियस के कई फैक्टर हैं यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस को निकालने के लिए पहला फैक्टर जो स्टार्टिंग में लिखा था हमने डेल जी नॉट का, ई नॉट है जो, सॉरी ई नॉट की वैल्यू प्लस में आ गया तो स्पॉन्टेनियस, अगर डेल ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर ये दो कंडीशन आ गया आपके स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन इसको हम ज्यादा सही नहीं मानते। अगर आपको ई सेल की वैल्यू दी है तो आप ई सेल को प्रिफर करेंगे, ई सेल अगर प्लस में आ गया तो स्पॉन्टेनियस, ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर ई सेल की वैल्यू जीरो आ गई यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन ये फॉलो करता है। ये तीनों कंडीशन आपको स्पॉन्टेनियस के रिस्पेक्ट, और डेल जी के बेस में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो स्पॉन्टेनियस है, डेल जी की वैल्यू प्लस में आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल जी की वैल्यू जीरो हो गई तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। यानी इक्विलिब्रियम में आपको, आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया था कि इक्विलिब्रियम के लिए थर्मोडायनेमिक्स होता नहीं है, वहां पे डेल जी ई सेल ये सब जीरो हो जाते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर पाता, तो ये आपका स्पॉन्टेनियस। लेकिन आपके बुक में सबसे ज्यादा इस ये वाले क्वेश्चंस आते हैं कि क्वेश्चन दे देगा बताओ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ई सेल की वैल्यू निकालनी है, और आंसर अगर प्लस में आ गया तो आप बता दोगे स्पॉन्टेनियस है, आंसर जैसे नेगेटिव में आएगा तो आप बता दोगे नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये दोनों ही आते हैं, जीरो वाला रेयर केस होता है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनिटी फैक्टर, तो आपका ये पहला दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो ये आपको फॉर्मूले सारे याद करने हैं और ये पॉइंट याद करना है आपको, तो दो चीज है इसमें जो मेन है, और बाकी सेकंड हाफ का कल होगा और थर्ड हाफ, तो ये तीन स्टेप में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद साथ साथ आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करते चलो, जहां नहीं आएगा वो मुझे पूछना है परसों अगले दिन, इसके बाद, इसके बाद हम फिर वही एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन करेंगे, पहले एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन भी करेंगे।